हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वर्षा और आपका मेरे चैनल एस वी के फूड ब्लॉग से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की रेसिपी है भरवा बेसन की मिर्ची चटपटी चटाकेदार। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर मोटी वाली मिर्ची ली है भरने के लिए। हम यहाँ पे मोटी मिर्ची का यूज़ करेंगे। तो अच्छे से साफ़ कर लिया हमने मिर्ची को, और अब सबसे पहले हम यहाँ पर कट लगा लेंगे मिर्ची के अंदर, ताकि स्टफिंग अंदर भरी जाए। जो ये देखिए, इस तरीके से हम कट लगा लेंगे, और अगर आप चाहें तो बीज को निकाल भी सकते हैं, और नहीं चाहे तो नहीं निकालिएगा। इसी तरह से हम सभी मिर्चियों में कट लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए हमारी सभी मिर्चियाँ कट लगाकर तैयार हैं। तो चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि मसाले के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो ये देखिए, हमने सबसे पहले यहाँ पर लिया है आधा कटोरी बेसन, एक छोटा चम्मच सौंफ, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, तेल, आधा चम्मच अमचूर पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ले लेंगे, और आधा चम्मच से थोड़ा सा कम यहाँ पे हम हल्दी पाउडर लेंगे, और आधा चम्मच यहाँ पे जीरा लेंगे। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, मसाला तैयार करेंगे। तीन चम्मच यहाँ पे सरसों का तेल लिया है। तेल को अच्छे से गरम करेंगे, और तेल के गरम होते ही हम यहाँ पर डाल देंगे ये आधा चम्मच जीरा। जीरा को अच्छे से ब्राउन होने देंगे। ये देखिए जीरा ब्राउन हो गया। अब हम यहाँ पर डाल लेंगे ये आधा कटोरी बेसन, और जो हमने हल्दी ली थी थोड़ी सी, वो आधा चम्मच से थोड़ा सा कम हल्दी यहाँ पे डालेंगे, और बस इस सभी चीज़ों को तेल के अंदर मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और फ्लेम को यहाँ पे लो रखेंगे। लो फ्लेम पे हम बेसन को भूनेंगे। जब बेसन में एक अच्छी सी खुशबू आ जाए और बेसन का कलर चेंज हो जाए, बस तब तक हम बेसन को भूनेंगे। ये देखिए इस तरीके से मसाले बेसन को तेल के अंदर बिल्कुल मिक्स कर लेंगे। और अब हम यहाँ पर डालेंगे कुछ और मसाले। ये देखिए हमने यहाँ पर सौंफ डाली है, नमक डाला है, और धनिया पाउडर डाल लेंगे यहाँ पे एक चम्मच। सौंफ हम यहाँ पे साबुत ही लेंगे। आप चाहे तो पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं सौंफ साबुत डालती हूँ, क्योंकि साबुत सौंफ जब मिर्ची खाते हैं तो बहुत ही टेस्ट लगती है। बेसन को चलाते हुए भुनेंगे। बेसन को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये जल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर बेसन जो है ब्राउन हो चुका है, अच्छी सी खुशबू भी आ गई है। तो बस आप बेसन को यहाँ बाउल में निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। ये देखिए अब हम यहाँ पे डालेंगे अमचूर पाउडर। आप यहाँ पे गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया। ये सिंपल मसालों के साथ भी बहुत ही टेस्टी लगती है मिर्ची। और अब हम यहाँ पे, ये देखिए पाउडर थोड़ा सा सूखा लग रहा है, तो हम यहाँ पे तेल डालेंगे। ये देखिए एक छोटी चम्मच कितना तेल डाल लेंगे। बस अब हम मसाले को मिक्स कर लेंगे। बस इतना ही तेल डालना है कि मसाला ना तो ज़्यादा गीला रहे और ना ही ज़्यादा सूखा लगे। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ बस इस तरीके से। तो चलिए अब हम मिर्ची को भरते हैं। ये देखिए एक मिर्ची को उठाएंगे और इस तरीके से इसको खोल लेंगे, और आप चाहे तो यहाँ पर चम्मच का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने हाथों की मदद से ही मिर्ची को स्टफ़ करूँगी। ये देखिए इस तरीके से मसाले को मिर्ची के अंदर डालेंगे और दबा दबा कर मसाले को भर लेंगे। ये देखिए ऐसे, और फिर इसको अच्छे से बंद कर देंगे ताकि फ्राई करते टाइम मसाला बाहर ना निकले। ये देखिए इस तरीके सभी मिर्चों को हम भर लेंगे। ये देखिए, तो अब हम यहाँ पे बनाएंगे मिर्ची को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर तीन चम्मच तेल है, तेल को गरम कर लिया है हमने, और तेल के गरम होते ही यहाँ पे मिर्ची को छोड़ देंगे एक एक करके। फ्लेम को यहाँ पर लो ही रखना है, लो फ्लेम पर ही हम यहाँ पर मिर्चियों को फ्राई करेंगे। ये देखिए अच्छे से कोटिंग कर लेंगे तेल की, और इसको दो मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढक के रख देंगे। मिर्ची की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, तो लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। ये देखिए दो मिनट बाद हम देखते हैं, और मिर्ची को हम पलट लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से सभी मिर्चियों को हम पलट लेंगे। ये देखिए अब फिर से हम इसको ढक के रख देंगे दो मिनट के लिए, और दो मिनट बाद फिर से देखेंगे। ये देखिए अब हम फिर से मिर्चियों को पलट लेंगे। इस तरह पलटते हुए ही हम चारों तरफ से मिर्चियों को सेक लेंगे। ये ध्यान रखिएगा फ्लेम को यहाँ पे लो ही रखना है, लो फ्लेम पे मिर्चियाँ बुनकर तैयार हो जाएंगी। ये देखिए अब हम फिर से ढक्कन हटाएंगे, और ये देखिए, ये देखिए मिर्चियाँ बनकर बिल्कुल तैयार हो गई हैं। ये देखिए नाइफ डाल के देखते हैं, ये देखिए ईजिली नाइफ चला गया, मिर्ची तैयार है। तो चलिए अब हम मिर्ची को प्लेट करेंगे। ये देखिए निकाल लेते हैं इसे प्लेट में।